मुझे सपना था मेरा कि एक एंड्रॉयड मोबाइल मेरे पास होना चाहिए, इसलिए वीवो लिया था 2016 में जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ और मैं क्रिकेट खेलने लगी। और आईफोन अभी लिया इंग्लैंड जाने के बाद, वहीं पे लिया क्योंकि इंडियन टीम में सभी के पास आईफोन था, मेरे पास नहीं था, तो मैंने सोचा मैं भी लूँ लेगा आईफोन। आपको तो पता नहीं सब सारी चीज़ें आती हैं माइंड में। अच्छा, फिर तो आपने अब आईफोन भी ले लिया और सैमसंग वो क्या वीवो भी ले लिया, अभी नेक्स्ट क्या है? अभी कुछ नहीं, अभी एक वर्ल्ड कप जीतना है बस। वो कौन से वाली, क्रिकेट का? क्रिकेट का है, और कौन सा है? और एक सपना है, फिर धोनी सर को मिलना है। और आज मेरा एक और एक सपना पूरा हो गया। मैं उस दिन भी बात करने आने वाली थी लेकिन आप बिजी थे, वो पहना था ना आपने, आपका कुछ तो था पोस्ट मैच। हाँ, उसके बाद मेरे से कितनी बातें कर लो। आपने बोला ना किरण कैसे हो, मैं बात करने आई, फिर आपने बोला फास्ट फास्ट बोला मेरे से, मैंने बोला अभी नहीं, मेरे हार्ट बीट बढ़ गए, मैं फिर ऐसे ही निकल गई उधर जाके खड़े हो गए। मैंने बोला अभी नहीं बात करूंगी। अच्छा, जब मेरे से बात करने आ रहे थे तो क्या बात करते बताओ? मैं वही बात करना चाहती थी कि मैं और कैसे कर सकूं, क्योंकि बीच में ना मुझे डर लगता है कि मैं आउट ना हो जाऊं, अभी टीम को ज़रूरत है, ऐसे बीच में आ जाते हैं मेरे में जब बैटिंग करती हूँ ना तब, कि अभी तो मुझे पूरा खेलना पड़ेगा, दो विकेट गए, मैं जैसे अंदर आती हूँ दो विकेट चले जाते हैं, पहले मैच से वैसे हो रहे। तो डर लगने लगता है मुझे कि यार अभी आउट ना हो जाऊँ कुछ गलत शॉट के खेल के, और उसी में आउट हो जाती हूँ मैं। तो आप इस थॉट को अभी कैसे, अभी तो हो गया, अभी बहुत सारे मैचेस हो गए, अब तो नहीं कि इस थॉट पे रह सकते, तो इसको चेंज कैसे करूं? अभी मैंने प्रिपेयर किया है कि अगर मैं हूँ तो 10 विकेट चले जाए मैं जिता के दे सकती हूँ, मुझे सिर्फ वहां पे स्टे करना है, कोई भी 10 चले जाएगा तो मैच खत्म, मतलब 10 मतलब 9 तक ले लो, 9 तक, हाँ 9 तक, हाँ, और फिर मुझे खत्म करना है मैच को, और वैसा मेरे में कैपेसिटी है, तो मैंने डोमेस्टिक में भी किया है। क्या किया आपने डोमेस्टिक में बताओ? मुझे डर नहीं लगता डोमेस्टिक में कि मैं आउट हो जाऊंगी, या तो ऐसा मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं ही बॉस हूँ, मुझे कोई आउट नहीं कर सकता। ठक 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 ठक, तो 550-600 रन तो आपने कर दिए, उसके बाद तो बॉस तो अभी ऐसे बैट लेके फोटो आया अखबार में कि किरण अवगिरे कौन है, कहाँ से निकल कर आई, तो वो तो ऑलरेडी आपने दिखा दिया, तो अभी अभी मेंटली प्रिपरेशन करना है कि वो कैसे कैरी फॉरवर्ड करूँ मैं लास्ट तक। अच्छा, इंडियन टीम का एक्सपीरियंस था कैसे वैसे, मतलब एक दिन आया किरण अवगिरे इंडियन टीम में जा रही है, वो भी इंग्लैंड में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले श्रीलंका भी गए थे? नहीं, पहले सीधा इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड गई थी। हाँ, डोमेस्टिक में वो किया, चैलेंजर में वो परफॉर्म किया, हाँ, फिर मुझे लगा श्रीलंका मुझे लेके जाएंगे, हाँ, तो मैं एक्साइटेड थी और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगी मैं, फिर उन्होंने नहीं लिया, तो मैंने बोला सर चलो 50% अभी चांसेस है कॉमनवेल्थ में लेंगे, मैंने थोड़ी प्रैक्टिस कम की लेकिन चालू रखी, हाँ, क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा था, तो जाने लगी मैं, फिर डिक्लेयर हुआ, मैंने बोला अभी छोड़ दे यार, और 500 रन बनाना पड़ेगा आने वाले सीजन में, हाँ, तभी वो चांस मिल सकता है। फिर मैं पांडिचेरी गई थी प्रैक्टिस मैचेस खेलने के लिए, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन आने वाला था और उधर कैच प्राइज टूर्नामेंट था, तो थोड़ा पर मिल जाता है, तो उधर गई और जहाँ पहुँची मैं और कपड़े निकाले चेंज करने गई, शॉवर लिया और रूम में आई, तो एक रिपोर्टर का फ़ोन, आप इंग्लैंड टूर में सिलेक्ट हो गए हो, मैंने बोला छोड़ दो यार मजाक मत करो कल मेरी मैच है। तो बोला नहीं आपको पेपर कटिंग भेजू क्या, फिर उन्होंने भेजा, मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ, फिर बीसीसीआई से फ़ोन आया मुझे कि आपका कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो माया सोना ने भी कैंप किया था, तो मैंने उससे चलो कैंप ही तो बुलाया यार, थोड़ा सा इंडियन टीम में हो जाऊंगी, थोड़ा होप्स जग गए मेरे। फिर वो बोले कि आपको तुरंत ही रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, मतलब अभी तो हमें इधर हो पांडिचेरी में। बोला कोई नहीं आप पहले पासपोर्ट भेज दो, फिर हम आपको बताएंगे कि आपको हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, तो मैंने बोला छोड़ दे यार, फिर तो मैंने पासपोर्ट भेजा और फिर मैंने बोला अभी मैचेस कल के मैच पे फोकस कर दे, फिर मैच खेला और फिर उनका शाम में फ़ोन आया आप सिलेक्ट हो गए हो, हाँ, आपको रिपोर्टिंग करने में बैंगलोर में, फिर सामान पैक किया वापस। हाँ, फिर सामान वापस, पता है आपको वो फ़ोन आया, मैंने फ़ोन रखा ऐसे बैठे बेड पे ऐसे, और फिर पता है मोबाइल निकाला और मैंने धोनी सर का फोटो देखा और मेरे आंखों में आंसू, धोनी सर थैंक यू, और फिर मैंने सपना देखा वर्ल्ड कप जीतूंगी और इनको मिलने जाऊंगी। फिर क्या हुआ जब आप इंग्लैंड पहुंचे और कॉमनवेल्थ गेम्स में तो मौका नहीं मिला, पर होम सीरीज उसके बाद जो सीरीज था उसमें मौका मिला, जब आपको बोला कि आप पहले वनडे T20 खेल रहे हो, T20 था ना पहला, T20 खेल रहे हो, तो एक रात पहले मालूम पड़ा था या उसी दिन मैच वाले दिन पता चला था? उसी दिन पता चला था,
मैच के दिन, फिर हडल में पता चला, हडल में वो शुरू होने से पहले, हाँ okay. तो उन्होंने मुझे कैब भी हरमंदी के हरमंदी नहीं कैब दिया, हाँ, कैब दी वो दूर से नहीं ले लिया आपने, दूर से मैं दूर में ही थी, वो कैमरे तक थे, मैं यहाँ तक थी, तो वो यहाँ पे आए, मैं नहीं वहाँ पे गई क्योंकि डर लग रहा था मुझे कि कुछ हो ना जाए. मैं वहां पे पहुंचने के बाद मैं यही सोच रही थी कि कुछ गलती ना हो जाए मेरे से, बस वो ऐसे मैं ऐसे हद, और फिर वो पास में आए, थोड़ा अच्छा लगा हर बंदे आए पास में, ये सब ने अच्छा वो किया. फिर मैं अपना नेचुरल गेम खेलने लगी, लेकिन कुछ आइडिया नहीं था तो कैसे भी खेल लिया, सिंगल डबल निकाला पहले तो, और फिर मारने गई तो आउट हो गई. फिर कॉन्फिडेंस आया, फिर नेक्स्ट मैच में ये भी फील्डिंग बहुत गंदी हो गई थी मेरे से, क्योंकि जब भी बॉलर भागता था ना मेरी नज़र हरमंदी के पास. लेकिन हरमंदी से आज भी डर लगता है, क्या पता वो डर कब जाएगा लेकिन बहुत डर लगता है. आपने क्या वर्क किया जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में, पहले आप ये बताओ कि आप नागालैंड क्यों गए? क्योंकि महाराष्ट्र ने मुझे चांस ही नहीं दिया थी. दो तीन ही मैच खेला है दो साल में, और फिर हमारे ऊपर ही आते थे वो लोग. तो उधर किसी ने बोला नहीं, नागालैंड ने बोला आप अच्छा खेलो जैसे मर्जी खेलो? हाँ, तो फिर उन्होंने दो साल ड्रॉप किया मुझे. मैंने T20 में 200 प्लस रन किए, 209 नॉट आउट किए 84 बॉल में, फिर भी उन्होंने मुझे सिलेक्शन नहीं दिया. अंडर 19 के प्लेयर लेके वो चले गए, और उसको बाहर भी टाई सब मैचेस महाराष्ट्र में. दो साल तो गए, मेरे पास तो एज भी हो गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो किसी और स्टेट से ट्राई करते हैं. उधर गई तो वो बोले आप ओपन कर लो, आप अच्छा हिटिंग कर लेते हो. मैंने बोला ठीक है अच्छा है, तो पहले से वेट कर रही मारने का, तो गुस्सा था मेरे ऊपर कि महाराष्ट्र ने लिया कुछ अलग करके दिखाऊंगी. फिर क्या उधर से स्कोर किया पूरा, और फिर इतना हाईलाइट हो गया, सब पता चल गया. मैंने भी आर्टिकल पढ़ा अखबार में, मैंने कहा अरे ये तो बहुत अच्छा है, और अलग सा लग गया एकदम से. जब आप आई थिंक वुमेन्स T20 चैलेंज में, वो भी तो दीप्ति की टीम में थे ना? हाँ, कैप्टन थे हमारे, दीप्ति की टीम में थे. तो फिर दीप्ति ने आपको कॉन्फिडेंस दिया उससे? हाँ, कि उससे भी डर लगता था? नहीं, इसे नहीं, उनके साथ मैं पहले से ही कंफर्टेबल थी. वो आए थे ना उधर, तो वो नेट्स में आके वो मुझे बताते थे कि भी हर एक शॉट इधर नहीं मारना, थोड़ा इधर भी ट्राई करना. मैंने अंजुम भी पहली बार कवर्स के ऊपर से मारा था, क्योंकि उन्होंने मुझे नेट्स में बोला था कि ट्राई करके इधर से भी अच्छा मार सकते थे, क्योंकि वो प्लेयर्स जो आगे होते. तो मैंने रेणुका को वो मारा था, तो बहुत अच्छा लगा था. रेणुका ने आगे कुछ नहीं बोला कि वहाँ कैसे कैसे बोल सकते? हाँ, बात भी ठीक है. हाँ, मैं सिर्फ हरमंदी से डरती हूँ, बाकी को डराती हूँ. हाँ, ये बात भी ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. कौन से बॉलर को खेलने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? कि मैं आए तो सही, मैं बताती हूँ. मुझे एकलस्टन को मारना है, और इसको क्या नाम दीप्ति वेस्ट इंडीज डॉटिन, उसको दिखाना है. डॉटिन तो बेचारी आई नहीं है. मैं आपको पता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करके आई थी उसको खेलने के लिए, उसको खेलने के लिए उसको मारना है और ऐसे ऐसे करना है. उसने मुझे आउट करके ऐसे ऐसे किया था, और सोफी ने भी ऐसे किया था, लेकिन सोफी तो हमारे टीम में, तो उसको नहीं कर सकते. नेट पे मारता नहीं, बॉलिंग ही नहीं डालती वो, ऐसे करना था मुझे शॉट करके. पता है फोटोशूट चल रहा था ना, ग्लव्स उतार के. हाँ, फोटोशूट था ना, वो भी पोज दिया था मैंने ऐसे ऐसे. वो समझा होगा उसको, देखा नहीं होगा, क्या पता. अब जैसे सारे इंटरनेशनल प्लेयर और बहुत सारे प्लेयर आसपास खेले जिनके साथ आप पहले सामने देखते थे, अब वो आपके टीम में भी हैं, तो आपने अपने आप को कैसे हैंडल किया? मतलब मैं यही सोचती हूँ कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए अगर, और मैं इतना तो जानती हूँ कि उनका मूड देख के उनसे बात करनी है, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं. अभी हम स्टार्ट किए हैं उनके साथ रहने के लिए, तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मेरी वजह से उनका मन ना दुखे कभी. उनको वो जब हंसते हैं ना, तभी मैं एक बात बद बोलती हूँ, अगर वो शांत रहते ना तो मैं उनके ही तरफ देखती भी नहीं, ऐसे ही देखती हूँ इधर. पर ऐसे क्यों करने की ज़रूरत है आपको? आप तो जमती, क्योंकि हर एक का कंफर्ट जोन अलग है ना. तो आपका भी तो कंफर्ट जोन है अभी तो. रूम में मैं रूम में सिमरन के साथ, इनके साथ बहुत मस्ती करती हूँ, फिर इनके साथ कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि वो भी बहुत समझ के लेते हैं. उनके साथ ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होता, क्योंकि उनसे हमने कभी बात ही नहीं की. अब किरण नवगिरे किस चीज़ पे काम कर रही है? मैं तो पहले तो फील्डिंग पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रही हूँ, फिटनेस पे वर्क कर रही हूँ, सिंगल डबल पे वर्क कर रही हूँ, और मैच फिनिश करने की कोशिश कर रही हूँ.
इतनी सारी चीजों पे काम कर रहे हो? वो जरूरी है क्योंकि मुझे लगता है इंडियन टीम में मैं यही चीजें नहीं कर पाई. फील्डिंग तो बहुत बकवास की है, वो तो मैंने देखा ही है. रनिंग तो बिल्कुल नहीं थी, रनिंग बिटवीन भी अच्छा नहीं था, सिर्फ मारती थी, सिंगल डबल भी होना चाहिए. तो इस पे वर्क किया. कौन कर रहा है आपके साथ काम? मैं खुद ही कर रही हूँ. आपको पता है क्या, मैं धोनी सर के वीडियो देख के सब चीज़ें करती हूँ और उनके इनिंग्स देख के उन्होंने सिंगल डबल भी निकाले बीच में, वो मैंने माइंड में रखा है. वो सिर्फ मारती नहीं है तो वो सिंगल डबल भी निकालती. पर आपको नहीं लगता कि किसी की गाइडेंस भी अच्छी रहती है अगर आपके साथ कोई काम करेगा तो? हाँ दी, लेकिन ऐसा कुछ कोई मिला ही नहीं है क्योंकि हर एक है ना कुछ अलग ही करने बैठता है. एक दिन मैं कोच के पास गई थी तो उसने इधर बैट रुक के खेलने के लिए बोला था और बोलते था सिक्स नहीं मारना, सिर्फ नीचे से खेलना. अच्छा हाँ, तो दूसरे कोच के पास चले जाते हो, कहता कोच सिर्फ सिक्स ही मारना है. नहीं, एक कोच की मेंटेलिटी क्या होती है कि आप अपना भी गेम खेलो. हाँ. लेकिन यहाँ पे हम ये चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं. वो बोला सिक्स बिल्कुल भी नहीं मारना, नीचे से खेलो. हाँ. वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं. जब आप और कोई फॉरेन प्लेयर चाहे सोफिया एकलस्टन हो या एलिसा हेली हो, तो मैदान में कई दफ़ा हुआ ना कि आपकी पार्टनरशिप भी हुई है तालिया मेगरा के साथ. ये पहले मैच में तो जब आप WPL खेल रहे थे तो आपने पहले मैच में बहुत अच्छे 50 रन किए थे. कॉन्वर्सेशन कैसे होती है पिच पे? इंग्लिश समझता है, बोलने में दिक्कत है. वो कैसे समझता है फिर? मैं उनको कैसे समझाती हूँ, ओके डन, ओके. वो पूछते नहीं मुझे पिच कैसा है, वो तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वो तो इतने मैचेस खेले. फिर वो बोलते हैं कि सिंगल डबल, कैन वी सिंगल डबल रोटेट, यू कैन स्टे हियर, ओके डन 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 डन, फिर खेलो अपना. बॉलिंग करने की कोशिश करी कभी? मैं बॉलर हूँ. डोमेस्टिक में मैंने 14-15 विकेट्स लिए हैं. क्या डालते हो वैसे बॉलिंग? ऑफ स्पिन. देखो अच्छा डालते हो. अच्छा डालते हो. कितना दीप्ति शर्मा से ज़्यादा टर्न होता है बॉल? मेरे तीन वेरिएशन है. अच्छा. मैं यही बॉल डालने से एक ही रिस्ट से ना मैं बाहर भी निकाल सकती हूँ, अंदर भी और स्ट्रेट भी डाल सकती हूँ, इसी रिलीज पॉइंट से. तो ये रिलीज पॉइंट आप बॉल रिलीज करना कब शुरू करोगे? जब मौका मिलेगा तब. नहीं नहीं, आप दीप्ति शर्मा को चैलेंज दो कि वो अपना एक्शन चेंज करके डालती है या रिस्ट पोजिशन चेंज करके डालती है, तो आप चैलेंज दो उनको. 1, 2, 3 चलो अब आपसे कुछ और सवाल पूछेंगे. अच्छा, अगर आप क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते? मैं एक एथलीट प्लेयर होती. ओके, एथलेटिक्स में क्या? जैवलिन थ्रोअर इवेंट. पहले आप क्रिकेट से पहले वो भी करते थे? वही करती थी. और घर से भी बहुत अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है स्पोर्ट्स के लिए? हाँ, पहले से मिलता है क्योंकि मेरे पापा की मतलब उनको वो चाहते थे कि कोई एक स्पोर्ट्स में जाए आगे तक खेले. मेरे भाई ने पार्टिसिपेट किया लेकिन 2 महीने में वो फुटबॉलर बना था और मैच खेले गया और वो बॉल से फिसल गया और हाथ टूट गया. तो उसने बोला मेरे से नहीं होगा, तो पापा बोले आप किरण आप ट्राई करो फुटबॉल खेलना. नहीं नहीं, एथलेटिक्स. एथलेटिक्स क्योंकि हमारे स्कूल में वही एक गेम था जिसमें लड़कियां पार्टिसिपेट करती थी. अगर आपको एक चीज़ खानी हो फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ? वड़ा पाव. ओके, बहुत पसंद है. ओके, आपका निकनेम क्या है? पूनम. ओ क्यों? मेरे पापा की बहन पूनम बोलती क्योंकि मैं रक्षाबंधन के दिन में मेरा जन्म हुआ है ना, तो पूर्णिमा के दिन. हाँ, रक्षा पूर्णिमा, राखी पूर्णिमा. वेरी नाइस. अगर आपको कभी मौका मिलता है कि आप हिस्ट्री में वापस जाओ और किसी एक क्रिकेट मैच का हिस्सा हो तो कौन सा? एशिया कप का. एशिया कप? यस, वुमेन्स का जो मैं खेली थी वो टाइम पे. और अच्छा खेल सकती थी मैं वहाँ पे लेकिन मैं डिस्टर्ब हो गई थी वहाँ पे. अगर आप किसी भी क्रिकेटर के साथ, आपको बोला जाए कि आप इस क्रिकेटर की जीवन जी सकते हो, खेलने वाला क्रिकेटर का जीवन, सर. ओके, धोनी जी आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत शांत रहते हैं. ओके, और उनका जो गेम है वो जो मतलब सिचुएशन से निकाल सकते हैं मैचेस. मैंने अभी तक किसी क्रिकेटर को नहीं देखा है कि मतलब ऐसे क्रिकेटर नहीं हो सकते कभी, तो वही मुझे मेरे में लाना है कि वैसा भी मैं बनूँ वुमेन्स क्रिकेट में. और मेरे में उतना स्ट्रेंथ है तो मैं कर सकती हूँ ना, तो इसलिए सपना देखा है. गाने सुनते हो? बहुत ज़्यादा. कौन सा फेवरेट गाना है? एक गलती. ये कौन सा गाना है? बहुत अच्छा गाना है, एक बार सुन लो. सुनाओ. हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूँ, फिर भी मैं आपको मेरी जान मानता हूँ. ये कौन सी मूवी का गाना है? मूवी नहीं, एल्बम का है. अच्छा, कौन सा, कौन है सिंगर?
सिंगर तो ये गुप्ता. अच्छा ठीक है, हम सुनेंगे. और अगर ये गाना चल रहा हो जब आप ग्राउंड के अंदर जा रहे हो तो आप ये गलती सुनते हुए जाओगे या कामयाबी सुनते हुए जाओगे? ये गलती सुन के मुझे अच्छा लगता है. अच्छा ठीक. आपका सबसे ज़्यादा पसंदीदा ऐसा कोई किसी ने चुटकुला कहा हो या कोई ऐसी शरारत की हो, कोई याद है? नहीं शरारत की ही नहीं है. आपने करी है कभी शरारत? नहीं. क्या? नहीं नहीं, ये नहीं मैं मान सकती. आपने कोई तो शरारत करी होगी अपने टीम में, चाहे नागालैंड में हो, किसी भी टीम से खेले हो. नहीं दी, मतलब मुझे दिल दुखाना नहीं पसंद कभी भी. आप एडवेंचरस हो कोई? हाँ, और क्या क्या करते? मैं ट्रेकिंग करती हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रेकिंग करती हूँ. मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं ट्रेकिंग के लिए निकल जाती हूँ. कहाँ पर जाते हो आप ट्रेकिंग के लिए? जितने भी हमारे शिवाजी महाराज के किले हैं उसमें जाती हूँ. ओके. सबसे ज़्यादा सेल्फीज कौन लेता है आपकी टीम में या आपके आसपास? ऐसा कौन है जो हम जानते हैं और आप जानते हो कि सेल्फीज लेता है? दीप्ति शर्मा. ओके. बहुत ज़्यादा फ़ोन में रहती है. कौन सा टीममेट है जिसके साथ आपको सबसे ज़्यादा वक्त बिताना अच्छा लगता है और कुछ भी बात कर सकते हैं? दीप्ति शर्मा. क्यों ऐसा? क्योंकि हम पहले से जान रहे हैं और एक दो साल से हम साथ में भी रह रहे हैं, हम बातें भी करते हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है उनके साथ, तो मैं सभी चीज़ें उनके साथ शेयर करती हूँ. सबसे पहली बार इंग्लैंड गए हो श्रीलंका गए हो? इंग्लैंड. जब जहाज में बैठे थे और वहाँ पहुँचे तो कैसा था? मैं बहुत खुश थी, लेकिन फ्लैट में बोर हो रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कब वहाँ पे पहुँचूँ और इंडियन जर्सी पहनूँ और सबके साथ बैठूँ, इसलिए मैं एक्साइटेड थी. मैं जाते वक्त ना बहुत कम सोई हूँ, मैं विंडो से बाहर देख रही थी, मैं पहुँच रही हूँ क्या, पहुँच रही हूँ क्या, पहुँच रही हूँ क्या, और वहाँ पे आगे स्क्रीन पे टाइम आता है ना, इतनी देर पे पहुँच रहे. तो मैं बहुत बार उठ के भी गई वो पायलट के केबिन के हद तक, कब तक पहुँचेंगे कब तक, वो मुझे हमें दो तीन बार बोले कि मैम आप बैठ जाओ आप बैठ जाओ, वो जो आते हैं ना उन्होंने बोला मुझे. हाँ, तो मैं एक्साइटेड थी कि जर्सी पहन के मैं कब टीम के साथ बैठूँ. तो वो तो किरण नवगिरे का अब टारगेट क्या है? बस दी वर्ल्ड कप जीतना है इंडिया के लिए, एक ट्रॉफी आईसीसी की हमें इंडिया में लानी है. ओके. एक ही सपना. पर उसके पहले तो आपको इंडियन टीम में खेलने जाना पड़ेगा, उसके पहले आपको अपनी जगह बनानी पड़ेगी, तो आपने कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉन्ड्स बनाए हैं? हाँ, मैं जैसे कि लास्ट ईयर में जितना मिस्टेक्स की हूँ तो उसको सुधारने की कोशिश में हूँ और उसको इम्प्रूवमेंट कर रही हूँ, उसके ऊपर काम भी कर रही हूँ, तो वो हो रहा है इम्प्रूव. तो मैं भी अभी जल्दी मुझे चांस भी मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी. WBL में खेलने का मौका मिला, इंडियन टीम से खेलने का मौका मिला, इन दोनों चीज़ों से आपने क्या सीखा और अब इमीडिएटली उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे? मतलब दोनों एक्सपीरियंस अलग अलग है, क्योंकि WPL में खेल रही हूँ तो वर्ल्ड के जितने भी बेस्ट प्लेयर्स है वहाँ पे आ रहे हैं, हमारे टीम में भी है, तो उनकी मेंटेलिटी क्या होती है, वो गेम के बारे में क्या सोच के जाते हैं, कैसी प्रिपरेशन करते हैं. मैंने मेरे टीम में जितने भी ओवरसीज प्लेयर्स हैं उनके साथ भी बात की है, तो उनके साथ उनको भी पूछा कि आपका कैसे शेड्यूल होता है, आप कैसे करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रेस हैरिस, टी मैक, इनके साथ मैंने बात की है, तो उन्होंने भी बताया वो कैसे करते प्रिपरेशन, क्या करते गेम के पहले, तो उनका वो एक्सपीरियंस मैं यूज़ कर रही हूँ मेरे ऊपर. और इंडियन प्लेयर्स में भी मैंने बात ही की है, दीप्ति शर्मा से मैं बात करती हूँ, वो भी बताते हैं, तो वही मैं सबसे बातें करती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोच नहीं है, तो मैं इन सब से सीख रही हूँ कि कैसे कैसे करना चाहिए अपने गेम में इम्प्रूव और गेम को कैसे फिनिश करना चाहिए. ये टी मैक का क्या नाम है? तालिया मैकग्रथ. नहीं, तो शॉर्ट फॉर्म में हो तो आप इतने फ्रेंडली हो गए हो कि आप टी मैक पे आ गए हो. वो क्या है ना, तालिया मैकग्रथ थोड़ा गलत निकलता है ना मुँह से, इसलिए वो भी टी मैक मैंने बहुत सोच के बोला है, वरना मैं पहले टी मैक बोलने वाली थी और फिर TM. टी मैक क्योंकि उस दिन भी मैंने बोला तो दीप्ति बोला ये नहीं बोलते उसको पागल उसका नाम अलग है. आप जैसे हो वैसे ही रहो, बिल्कुल चेंज होने की जरूरत नहीं है कुछ भी, सिर्फ मैक की तरफ जाना है तो वो चले जाओ, आप जैसे हो वैसे ही रहो. और मेरी तरफ से आपको एक ओपन ऑफर है कि जब भी आपको कोई कोचिंग की जरूरत होगी, मैं कोच नहीं हूँ, मैं नहीं आपको कोचिंग देने वाली, पर आपको अच्छे कोचेस की फैसिलिटीज, ग्राउंड फैसिलिटीज यूज़ करने का, अच्छे कोचेस का काम करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. तो आपने वर्ल्ड कप जिताना है इंडियन टीम को, हमने आपके लिए तालियां बजानी है, तो हम आपको
ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू दी फॉर योर जर्नी फॉरवर्ड. हम चाहते हैं कि आप इंडियन टीम को, इंडियन टीम से खेलो, इंडियन टीम को मैच जिताओ और इंडियन टीम को वर्ल्ड कप जिताओ और फिर हम सब सेलिब्रेट करेंगे. जी पक्का प्रॉमिस दी. ठीक है मैं करके दिखाऊंगी. परफेक्ट एक्सलेंट. थैंक यू सो मच. इंटरव्यू खत्म हुआ.